अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान रेलवेज हमारे मुल्क की ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अहम इदारा है और रोज़ाना उस पर लाखों अफराद सफ़र करके अपनी अपनी मंजिलों को पहुंचते हैं, चाहे वो कराची हो या लाहौर, रावलपिंडी हो या क्वेटा। पाकिस्तान रेलवेज तमाम छोटे और बड़े शहरों में अपनी खिदमात बखूबी अंजाम देता है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से तमाम पैसेंजर ट्रेन्स के ऑपरेशंस मनसूख हुए हैं और उसकी वजह से भी आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे। जो वबा हमारे मुल्क समेत पूरी दुनिया में फैली हुई है और तमाम निज़ाम उसने धर्म बरहम किया हुआ है। जैसा कि तमाम इदारे इस वबा से निमटने में पेश पेश हैं, इसी तरह पाकिस्तान रेलवेज भी अपने हमवतनों की खिदमत में पेश पेश है और फौरी तौर पर रेलवे मिनिस्टर जनाब शेख रशीद साहब की हिदायत पर 400 बेड के मोबाइल हस्पताल का क़याम अमल में लाया गया है, जो कि मोबाइल करंटीना के तौर पर काम आएगा। इस काम के लिए रिलीफ ट्रेन की कोचेस और एसी स्लीपर कोचेस का इंतखाब किया गया है। एसी स्लीपर हमारी कोचेस की सबसे लग्जरी क्लास है, जिसमें कुशादा सीटों के साथ साथ वॉशरूम भी केबिन के साथ अटैच होता है। इस करंटीना अस्पताल में पाकिस्तान रेलवे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अपने फराइज सर अंजाम देंगे। मोबिलिटी आसान होने की वजह से इसको दूर दराज के इलाकों में भी पहुंचाना बहुत आसान है, जो कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में किया जाएगा। आखिर में हमारी सब की दुआ है कि हमारे मुल्क को जल्द अज जल्द इस वबा से छुटकारा मिले और पाकिस्तान रेलवे समेत हर इदारे का पहिया बहाल हो सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।